Put the heading on a new page, analysis of financial statements. कुछ लोग शायद ये बोलेंगे, सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, आपने थियोरेटिकली पढ़ा था, आपने विंडो शॉपिंग की थी, अब घर से पैसे लेके आए हैं टी शर्ट और ट्राउजर खरीदने के लिए. रिटन एवरीबडी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बिलो दैट चिल्ड्रन यू आर सपोज टू पुट टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रिपीट, टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बिलो दैट पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, कंप्यूटेशन ऑफ एनालिटिकल चेंजेस, एंड अंडरनीथ दैट यू आर सपोज टू राइट रेशियो एनालिसिस ओब्लिक अकाउंटिंग रेशियोस. भी कोई चलो. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई हम रेशियो एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं या हम रेशियोस क्यों अप्लाई करते हैं. कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको पढ़ना. इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन. अगेन टेकिंग दैट सेम ओल्ड एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एंड टाटा. द प्रॉफिट्स ऑफ चिल्ड्रन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इज लेट अस से 2000 crores. सुनाई पड़ी बात. एंड दैट ऑफ टाटा इज 4000 crores. विच कंपनी sounds to be better, children? Simple as that. Tata sounds to be better. But if I say that sales of Maruti Suzuki India Limited was 20,000 crores and that of Tata, children, is 40,000 crores. Again, in terms of sales, you see which company to be performing better, children? बट अगर आप एक छोटा सा परसेंटेज कैलकुलेट करिए चिल्ड्रन, 2000 अपॉन 20,000 करोड़ इज व्हाट, 10%, एंड 4000 अपॉन 40,000 करोड़ इज 10%. क्या आपको यहां पे कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नो नो. सो अंटिल अनलेस यू हैव अ कॉमन बेंचमार्क टू कंपेयर लाइक वी डिड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यू कैनॉट से कि सर बेटर कौन सा है. तो प्रॉफिट देख के लग रहा था टाटा इज बेटर, सेल देख के भी यही फीलिंग आ रही थी टाटा इज बेटर, बट परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल देख के फीलिंग आ गई दैट बोथ आर परफॉर्मिंग इक्वली गुड चिल्ड्रन. सो दीज एंड मेनी मोर सच टाइप ऑफ कैलकुलेशंस आर स्टडीड एंड एनालाइज चिल्ड्रन इन अ चैप्टर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियोज और रेशियो एनालिसिस. प्लीज पुट दिस क्वेश्चन. सो सिंपली अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये रेशियो एनालिसिस होता क्या है. सो बहुत सिंपल सी बात है चिल्ड्रन, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है. आप एनालिसिस ऑफ चेंज जब अप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम कुछ चीजें जानने में इंटरेस्टेड होते हैं चिल्ड्रन. द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, कमाया कितना हमने. देन वी हैव सॉल्वेंसी, डेट रीपेइंग कैपेसिटी को सॉल्वेंसी बोलते हैं, अपना उधार हम कब पे कर पाएंगे. एंड देन चिल्ड्रन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी. तो ये सारी चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चिल्ड्रन रेशियो एनालिसिस से पता लग जाती हैं. मीनिंग ऑफ रेशियो मैथ्स के सेंस में अगर बात करें, इट्स अ मैथमेटिकल नंबर चिल्ड्रन, कैलकुलेटेड एज अ रेफरेंस ऑफ रिलेशनशिप विद टू और मोर नंबर्स, एंड इट कुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड नंबर ऑफ टाइम्स के बेसिस पे भी रेशियो चलता है. तो मैथ्स में रेशियो का बस यही मतलब है. वेयर एज अकाउंटिंग के टर्म्स में चिल्ड्रन, इट इज अ रिलेशनशिप लाइक इन मैथमेटिक्स, बट अब आपको वेरिएबल्स अकाउंटेंसी के नजर आएंगे. और वो वेरिएबल्स मिलेंगे कहां से? वेरी सिंपल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से कुछ मिलेगा, समथिंग वील फाइंड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, इवन सम आइटम्स वील बी फाइंडिंग फ्रॉम बैलेंस शीट. समझ में आ गया? So when the number is calculated by referring to accounting numbers, children, it is called as accounting ratio.
इज दस अंडरस्टूड वेल? चलो, सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज कॉपी दीज टू डेफिनेशन टू लर्न वेरी क्विकली. मूविंग अहेड चलन. सो ये बात सबको समझ में आ गई, व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो चलन. किसी भी दो वेरिएबल्स का हमने भी क्या किया था, प्रॉफिट को किसके साथ कंपेयर किया, सेल के साथ. कोई भी दो वेरिएबल अकाउंटिंग स्टेटमेंट से उठा लीजिए, मीनिंगफुल कंपैरिजन कर दीजिए, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो. तो अकाउंटिंग रेशियो पढ़ने के लिए चिल्ड्रन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना है ये आपको मैं बताता हूं. कुछ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन, फॉर्मूला फ्रेमिंग ट्रिक्स फॉर अकाउंटिंग रेशियो, यस और नो? फॉर्मेट तो सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ही लग रहा है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बट लिखा थोड़ा अजीबो गरीब है. ये बच्चों पुराना तरीका है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का. 2013 से पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऐसे बनती थी, और जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल में इतने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेते थे, यू यूज्ड टू ऑटोमेटिकली मग अप द सीक्वेंस. 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, सीक्वेंस दिमाग में रजिस्टर हो जाता है. और रेशियो एनालिसिस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चा बेचारा फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाता है. और किसी भी बुक में चल रहे पूरे ब्रह्मांड में, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे यूनिवर्स में घूम के चले आइए, आपको फॉर्मूला फ्रेम करने की ट्रिक सिखाई ही नहीं गई है. एक एक चीज के 10-10 फॉर्मूले आपको नजर आएंगे, आप पगला जाएंगे कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत. सब सही है, कोई गलत नहीं है, बट ये बने कैसे हैं उसका गौमुख ग्लेशियर से गंगा जी का निकलना यहां मैंने आपको समझा दिया है. गॉट इट क्लियर? सो आपको नजर आ रहा होगा ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिससे आप 11th क्लास में ग्रॉस सेल बोलते थे. सेल रिटर्न का नाम बदल के रख दिया RFO returns. सेल माइनस सेल रिटर्न इज व्हाट चिल्ड्रन? नेट सेल्स. देन हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जिसको अब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं. तो जब आप बच्चों नेट सेल में COGS माइनस करते थे, रिमेम्बरिंग आपका आंसर ग्रॉस प्रॉफिट आता था चिल्ड्रन. ग्रॉस प्रॉफिट में यू सब्ट्रैक्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैंने 4 कैटेगरीज बताई हैं 11th में फाइनल अकाउंट्स में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नॉन कैश आइटम्स एंड अप्रोप्रिएशंस. आप इन्हें लेस करेंगे तो आपको एक बड़ा अजीब प्रॉफिट मिलेगा. एंड व्हाट इज दैट? बिजनेस एक्टिविटीज से जो कमाया, मैकडॉनल्ड्स खाने पीने का सामान बेच के जो कमाता है चिल्ड्रेन, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं एयरटेल वालों की अपने स्टोर में, उससे भी कुछ कमा लेते हैं. वो बिजनेस करने की इनकम नहीं है, इसे बोलते हैं बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो बाय टीचिंग प्रोफेशन व्हाटसोएवर आई अर्न, दैट्स माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट. गॉट इट क्लियर? एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, रेंट दैट आई गेट फ्रॉम माय टेनेंट, इंटरेस्ट दैट आई गेट फ्रॉम माय बैंक डिपॉजिट्स, इनकम दैट आई अर्न बाय सेलिंग माय एसेट्स प्रॉपर्टी शेयर्स एंड ऑल, दे आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये टर्म्स हमें काम आएंगे, इसलिए हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है. तो आपने अगर ये सीक्वेंस समझ लिया चिल्ड्रेन, आई चैलेंज आप गलती कभी करेंगे ही नहीं. देन वी सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट. अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो कौन सा नेट प्रॉफिट आएगा? आफ्टर इंटरेस्ट, बट अभी टैक्स माइनस करना बाकी है. अभी टैक्स माइनस करना बाकी है. टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसके बाद रिजर्व और डिविडेंड माइनस कर देंगे अप्रोप्रिएशन वाला, यू गेट व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट. तो आपको ये पूरा सीक्वेंस लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में. मैं आपको नोट्स में छपा छपाया तो दे ही दूंगा, बट आप लिख जरूर लीजिएगा इसको. गॉट इट? एंड चिल्ड्रन इसको 4 बार जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये लर्न हो जाएगा. कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. जो इतना कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, खैर नीचे का 2 तो काम ही नहीं आएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व. ओके, ये आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में पढ़ा हुआ है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, टैक्स लेस करते तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये जो ऊपर का है नेट सेल माइनस COGS इज GP, ये भी आपको आता है, 11th में पढ़ा है. तो आपको पढ़ना कितना है चिल्ड्रन? सिर्फ आपको 3 लाइनें पढ़नी है. जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करिए, काम खत्म. 3 लाइन आपको बस नहीं पढ़ाई जा रही है, else it is all class 11th content.
सुनाई पड़ गई बात पक्का? तो आफ्टर क्लास चिल्ड्रन मैं रिकॉर्डिंग फ्लोट कर दूंगा, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, या मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं, यू कैन डू दैट एज वेल। आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में। सो चिल्ड्रन कंप्लीट दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये समझ लिया और ऐसे ही बैलेंस शीट का भी है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, और नहीं तो पूरा चैप्टर सिर के ऊपर से उड़ता है, पूरा चैप्टर चिल्ड्रन। और इसको पढ़ने का डुअल एडवांटेज है, अभी ये रेशियो में काम आएगा एंड देन दिस वुड बी हेल्पफुल इन कैश फ्लो। वहां पे आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही दिखाएगा कैश फ्लो का, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे चीजें बनी है। फाइन, चलिए।